दोस्तों, एयरटेल ने बाजी मार ली है जियो डीटीएच से। सही सुना आपने, एयरटेल ने जियो से पहले ही अपना इंटरनेट डीटीएच लॉन्च कर दिया है, जबकि जियो का डीटीएच अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज में ही है। इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल डीटीएच और जियो डीटीएच के कुछ फीचर्स कंपेयर करके बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले एयरटेल से शुरू करते हैं। एयरटेल का फ्रंट पैनल, में एयरटेल के एक पावर का बटन दिया गया है, एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है और तीन इंडिकेशंस हैं। एक आपका नेटवर्क इंडिकेशन है, एक पीवीआर इंडिकेशन है और एक आपका पावर का इंडिकेशन है। फिर अब हम चलते हैं साइड पैनल पर। साइड पैनल में इसके एक एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया है। फिर उसके बाद बारी आती है बैक पैनल की। बैक पैनल में आपको एक 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर का पावर इनपुट मिलेगा, अडेप्टर का इनपुट मिलेगा, एक एलएनबी से जो आपका आती है वायर, जो एंटीना होता है, आपको एक वो मिलेगा, जैसे नॉर्मली सभी डीटीएचएस में अवेलेबल होता है। एक वीडियो का पोर्ट मिलेगा आपको और दो आपको लेफ्ट राइट ऑडियो के पोर्ट मिलेंगे। ये चार चीजें तो कॉमन है, हर डीटीएच में ये आपको मिलेंगी। उसके अलावा जो अगली चीज इस पे है वो है एचडीएमआई पोर्ट। एचडीएमआई पोर्ट भी सारे जितने भी एयरटेल टाटा स्काई डीटीएच आते हैं, एचडीएमआई पोर्ट एचडी चैनल्स पे और यूएसबी पोर्ट सभी पे अवेलेबल है। इसके बैक साइड पे HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट अवेलेबल है। उसके अलावा जो अब दो चीजें इस पैनल में मुझे एक्स्ट्रा दिख रही हैं, एक है अर्थनेट, जो आपका इंटरनेट का जैक होता है, जिस पे आप वायर कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, और एक होता है ऑप्टिकल। और इस पे जो USB पोर्ट दिया गया है, USB पोर्ट फ्रंट और बैक दोनों पे है, और पहले से ही एयरटेल डीटीएच पे फ्रंट और बैक पे USB पोर्ट पहले भी आ रहे हैं, जो इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता उस पे भी। इसका फंक्शन क्या है, USB पोर्ट से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी आप पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट इनमें जो रिकॉर्डिंग जो फॉर्मेट प्ले होते हैं वो आपका नॉर्मली किसी भी प्लेयर पे प्ले नहीं होता, तो आपको प्ले करने के लिए इसी फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है। ये तो बात हो गई एयरटेल की। उसके अलावा एयरटेल में कुछ फीचर्स जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, अब इसमें आपका वायरलेस नेटवर्क सेटअप के दो तरह के ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आपका वाईफाई, इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई है, आपके घर में कोई भी राउटर लगा जिससे आपने अपना लैपटॉप अपना मोबाइल कनेक्ट किया, आप इसको उस राउटर के थ्रू कनेक्ट करके आप कुछ भी ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे कंप्यूटर में करते हैं अपना टीवी में वर्क कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास राउटर, आपके पास अगर वाईफाई राउटर नहीं लगा, आपके पास नॉर्मल डीएसएल राउटर है, तो आप वही सेम जो डीएसएल राउटर पे आपका अर्थनेट के लिए एक जैक होता है, वही वाली वायर आप इस पर डायरेक्ट लगा के आप इस पर भी नेट यूज कर पाएंगे। और उसका प्ले स्टोर अवेलेबल है, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, एसडी कार्ड पर डायरेक्ट आप उसे डाउनलोड करके कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल पे आप जो है उसे यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह के फीचर्स इस पे नए हैं जो आ गए हैं। और एक इस पे एंड्रॉइड टीवी की ऑप्शन नहीं आई है, जिस पे आप कोई सी भी मूवी, टीवी प्रोग्राम, म्यूजिक, गेम सपोर्ट, कुछ भी आप जैसे एंड्रॉइड फोन में यूज करते हैं, उस तरह के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और एचडी में अवेलेबल है, हाई डेफिनेशन एचडी बॉक्स है ये, इस पे एचडीएमआई आउटपुट भी दिया गया है। अब बात आती है कीमत की। कीमत इसकी मार्केट में अभी 499 रखी गई है, जिसपे आपको 3 मंथ्स के लिए ऑल एचडी चैनल्स प्लस बेसिक पैक फ्री मिलेगा 3 महीने के लिए, उसके बाद से आपको इस पर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब बारी आती है जियो की। जियो के फ्रंट पैनल में आपको एक पावर का इंडिकेशन दिख रहा है और उसके अलावा एक आपको यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, बस दो ही फीचर्स आपके अवेलेबल हैं। और बैक पैनल पे इसके एक यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है, एक आपका पावर अडेप्टर का पोर्ट अवेलेबल है, ऑडियो वीडियो पोर्ट है जैसा, और एक एचडीएमआई पोर्ट है इसमें, और एक अर्थनेट का पोर्ट है, वही सेम जैसा कि एयरटेल ने लॉन्च किया है अर्थनेट का, ताकि आप उसे इंटरनेट यूज कर सकें। बाकी अंदर के फीचर्स का अभी तक, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग फेज पे चल रहा है और ये सभी के पास अवेलेबल नहीं है, तो एग्जैक्ट इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये फीचर्स अभी मार्केट में लीक नहीं हुए हैं, बट कुछ इसी तरह के फीचर्स जो हैं ये जियो डीटीएच भी लाएगा। इस पे रिकॉर्डिंग यूज होगा, हो सकता है उस पे एसडी कार्ड भी हो, बट अभी तक पैनल में कहीं पे एसडी कार्ड का जिक्र नहीं हुआ, कहीं पे दिखा नहीं ऐसा लिखा हुआ कि एसडी कार्ड है। बाकी हो सकता नहीं भी हो, तो एयरटेल को देख के आने वाले टाइम में जियो जो है इसको कुछ मॉडिफाई करके 1-2 महीने बाद मार्केट में उतारे, तो कुछ फीचर्स जो है एयरटेल से मिलते जुलते जो अभी तक नहीं है वो भी शायद इस पे ऐड कर दे। बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, एक चीज का दावा ये किया जा रहा है कि जियो का डीटीएच जो आएगा 3 महीने या 6 महीने के लिए आपको पहले की तरह फ्री देगा, और सेम हो सकता है आपको सिर्फ बॉक्स के पैसे खर्च करने पड़े और आपको रिचार्ज के पैसे ना खर्च करने पड़े। और यही सेम ऑफर एयरटेल ने भी निकाला है, आपको सिर्फ बॉक्स के पैसे, इंस्टॉलेशन के पैसे आपसे ले रहा है एयरटेल, लेकिन 3 महीना उस पर आपको फ्री दे रहा है। तो अच्छी टक्कर दी है एयरटेल ने, और एयरटेल ने बाजी मार ली है कह सकते हैं कि जियो से पहले एयरटेल ने मार्केट में लॉन्च करके, ताकि
ताकि वो अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साइड में सब्सक्राइब करने के बाद साइड में लगा घंटी का बटन जरूर प्रेस किए, ताकि आने वाले टाइम में जो आपके लिए मैं अच्छी अच्छी नई वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, न्यूज, टेक न्यूज आपके लिए वीडियोस अपलोड करूं, आपको जल्दी से जल्दी वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।